परिभाषा है। चलो कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये किस बेसिस पर, तो ये देखो तो ये वाला होमो वाला क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा और सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये वाले दोनों क्या होंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये वाला क्या होगा, मतलब इसी से काम होगा, या इलेक्ट्रॉन देगा और ऊपर वाला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेगा। ये सहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट है, ये कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जहां तुम एमओटी में आते हो, एमओटी में लोमो और होमो देखा जाता है, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे डेवलप होते चला था, जैसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसके बाद थॉमसन का आया, फिर उसके बाद और पड़ गया बोर का आया, बोर के बाद जो है क्वांटम थ्योरी आया, क्वांटम थ्योरी के बाद हम लोग का सहसंयोजक बंध आया, सहसंयोजक बंध के बाद क्या आया, तो एमओटी आया, एमओटी के बाद क्या आया, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्लियर है। तो ऐसे ये आगे बढ़ते बढ़ते गया, ठीक है। तो ये तो इसका नॉर्मल चीज, अब आगे इसमें क्या बताना चाह रहा है उसको देखो, तो इसमें बताता है कि यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग, ये कैसा प्रवृत्ति रखेगा, डोनर के एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये डोनर प्रवृत्ति रखेगा इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। और यहाँ पे बोलोगे तो ये क्या होगा, एक्सेप्टर, तो इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, एक डोनेट करेगा और हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो कार्बोनिल लिगेंड कैसी प्रवृत्ति रखता है, कार्बोनिल लिगेंड की प्रवृत्ति क्या है, बोलो बोलो क्या बोलोगे, अभी मैं क्या समझाया इसका मतलब, हाँ तो कैसी प्रवृत्ति रखता है, वही है दिमाग लगाना नहीं है, बोल दिया उसको कि डोनर भी होगा और क्या है एक्सेप्टर भी होगा, अब इसको क्लियरिफाई करने को बोलेगा कि किसमें डोनर होगा किसमें एक्सेप्टर होगा, तब उसको बताओगे कि इसका जो होमो होगा वो क्या होगा, डोनर प्रवृत्ति रखेगा, और इसका जो लोमो होगा वो होगा उसका एक्सेप्टर होगा। तो प्रवृत्ति क्या है, तो दोनों है, क्या दोनों है, तो डोनर भी है और एक्सेप्टर लिगेंड भी है, ठीक है। अब किसके कारण है, तो होमो के कारण डोनर का व्यवहार करेगा और लोमो के कारण एक्सेप्टर करेगा, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसको बताया गया, आगे देखते हैं। तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह यह क्या करता है, तो लिगेंड का काम करता है। अब देखते हैं इसमें बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन, कार्बोनिल में जो है मेटल के साथ कैसा बॉन्डिंग होता है इसको, ठीक है। तो इसका पहला कंडीशन बोलता है, इसका पहला चीज बोलता है कि कंडीशन फर्स्ट, या फर्स्ट कंडीशन में बताता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, देखो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, मतलब समझ में आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कहां से, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल, कैसे दिखाओगे इसको, कैसे दिखाएंगे, जब तो लिगेंड है हमारा L, ये ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को इधर, कैसे दिखा सकते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल, क्लियर है। इस प्रकार से पहले बॉन्ड बनाए, अब यहाँ पे ये लिगेंड की प्रवृत्ति क्या होगी ये बताओ, डोनर होगी, समझ में आए, क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। मान लो ये कार्बोनिल हो, तो कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल को, तो इसकी नेचर क्या हो गया, डोनर, किसके कारण होगा, किसके कारण होगा,
किसके कारण होगा? दोनों ऑर्बिटल के इंक्लूड होने के कारण। अब होमो से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा ना, लोमो से थोड़ी ना होगा, क्लियर है? तो ये हो गया, तो होमो के कारण होता है। अब किसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए? ये बॉन्ड बनना है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? तो देखो, तो किसी ने क्वेश्चन पूछ देता है नेट में कि लिगेंड टू मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट फॉलोइंग वे में से कौन कौन होता है? तो बात देखो, तो पहला बोलता है लिगेंड शुड बी होमो, दूसरा है मेटल शुड बी लोमो, ठीक है, तीसरा है ये दोनों में बताओ, तो दोनों जरूरी होगा कि नहीं होगा? जरूरी होगा, कैसे? अब देखो, लिगेंड जो है वो होमो से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मेटल के पास लोमो होना चाहिए तभी ना वो लेगा, क्योंकि लोमो की ऑर्बिटल की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है? एक्सेप्टर से, मतलब एक देने वाला है तो दूसरा को लेने वाला भी होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा है, लिगेंड पर होमो हो और मेटल पर लोमो हो तभी होगा कौन सा? लिगेंड टू मेटल पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, समझ में आया? अगला देखो, तो अगला बोलता है द एनर्जी गेन ऑफ होमो एंड लोमो इज कंपेरेबल, इज कंपेरेबल। देखो, तो कंपेरेबल मतलब तुलना करने योग्य, ठीक है? कंपेयर करना सुने हो ना, वहीं से बना है कंपेरेबल, मतलब तुलना करने योग्य। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी गेन, एनर्जी गेन मतलब समझ में आ रहा है, गेन होगा किसमें? एनर्जी में, मतलब दोनों के एनर्जी में अंतर। अब होमो एंड लोमो, होमो एंड लोमो किसकी बात कर रहा है? तो होमो बात कर रहा है किसका? लिगेंड का। लोमो बात कर रहा है किसका? क्लियर? इनका बीच का जो एनर्जी गैप है, अगर वह कंपेरेबल है, मतलब एक दूसरे से तुलना करने योग्य है, तब तो बॉन्डिंग होगा, नहीं तो बॉन्डिंग नहीं। मान लो सिंपल, एनर्जी गैप कितने का है? मान लो ये होमो है, होमो फॉर लिगेंड, और ये है हमारा लोमो फॉर मेटल। इतने में आसानी से यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और वही चीज मान लो एनर्जी गेप, मान लो यहाँ पे लोमो रहा था मेटल का, तो बोलो तो एनर्जी गेप बहुत ज्यादा है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर होमो और लोमो, होमो किसका? तो लिगेंड का, और लोमो किसका? तो मेटल का। दोनों के बीच का जो एनर्जी गेप है, अगर वह कंपेरेबल है या उसमें अंतर जो है वो बहुत कम है, तो वहां पे लिगेंड से मेटल पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। क्लियर है? एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो लिगेंड का, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल पे नहीं। क्लियर है? समझ में आई चीज? ये कंपेरेबल वाला समझ में आया? तो ये हो गया तीसरा रिक्वायरमेंट। तीसरा रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर कंपेरेबल, एक दूसरे के बराबर या उससे थोड़ा इधर उधर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होगा। चलो, ये हो गया तीसरा कंडीशन। चौथा, चौथा कंडीशन बोलता है सिमेट्री शुड बी मैच। चौथा बोलता है सिमेट्री, सिमेट्री शुड बी मैच। सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। एमओटी पढ़े हो तुम लोग? एमओटी में बताया गया कि जो लिगेंड ग्रुप्स ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी सिमेट्री, मेटल्स में उपस्थित जो ऑर्बिटल्स होते हैं अगर दोनों की सिमेट्री सेम है तब वहां पे बॉन्डिंग होता है, अन्यथा की स्थिति में बॉन्डिंग नहीं होता। यही देखे थे, सेम वही चीज बोल रहा है कि इसमें
जो होमो की सिमेट्री होगी या लिगेंड की जो सिमेट्री होगी या लिगेंड ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री होगी वह मेटल्स ऑर्बिटल्स के सिमेट्री से अगर सिमिलरिटी रखता है या सेम होते हैं या मैच करता है तभी तभी लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा अन्यथा की स्थिति में नहीं। बोलो क्लियर है ये चीज। तो देखो प्रश्न बोल रहे हैं देन लिगेंड विल ट्रांसफर टू द मेटल्स एंड फ्रॉम अ फार्मेसी फॉर्म। और यहाँ पे क्या होता है तो जो देखिए लिगेंड जो होता है लिगेंड का जो लोमो ऑर्बिटल में उपस्थित सॉरी लोमो ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मेटल के लोमो ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है ऐसा। और ट्रांसफर करने के बाद दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बोलो ये चीज समझ में है ये क्या है तो होमो है और ये क्या है तो ये लोमो है। होमो किसका तो लिगेंड का और लोमो किसका तो मेटल मतलब सिंपल सी चीज है। क्या बोला गया कि लिगेंड के होमो में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या कहता है मेटल में जो लोमो ऑर्बिटल होता है उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के बाद क्या बनाते हैं जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते। ठीक है अब ये देखो तो CO ये किस पर हो रहा है और किस पर है CO को पढ़ रहे हैं तो CO जो लिगेंड है लिगेंड को हम क्या बोल सकते हैं CO लिगेंड को हम क्या बोल सकते हैं सिग्मा देखो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए इसको बोल सकते हैं सिग्मा डोनेट कर रहा है इसलिए बोलते हैं डोनर क्या बोलेंगे लिगेंड। बोलो ये चीज समझ में आया सिग्मा डोनर लिगेंड क्यों बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है क्योंकि वो बताओ होमो से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और डोनेट करने के कारण से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है इसलिए इसको हम सिग्मा डोनर लिगेंड कहते हैं किसको कार्बोनिल लिगेंड। क्लियर है ये चीज ये हो गया हमारा सिग्मा डोनर लिगेंड। अब देखो सिग्मा डोनर लिगेंड सिर्फ कार्बोनिल नहीं होगा और बहुत सारे होंगे उसमें बता सकते हैं हम लोग क्या बता सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे सिग्मा डोनर लिगेंड कहेंगे। बोलो क्लियर है इसमें मैं और दूसरा चीज को भी इंक्लूड करते चल रहा हूं ना चलो आगे देखें आगे इसको बता सकते हैं हम लोग ये तो क्या पहला कैटेगरी का दूसरा कैटेगरी का देखते हैं या दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन बोलता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू फ्रॉम मेटल टू बोलो अब क्या हो रहा है अब मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा रहा है किस पर लिगेंड पर। ठीक है कैसे दिखाएंगे इसको तो ये हो गया हमारा मेटल मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा दिया लिगेंड तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ पे कार्बोनिल हो सकता है कि नहीं लिगेंड की जगह पे कार्बोनिल भी यूज कर सकते हैं कि नहीं क्यों क्यों क्योंकि कार्बोनिल पर लोमो ग्रुप होता है लोमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता है। क्लियर है इसलिए यहाँ पर हम कार्बोनिल को ले सकते हैं। क्लियर है तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा मेटल की जगह पर मेटल यह इलेक्ट्रॉन देगा किसको कार्बोनिल। ठीक है अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ये बताओ होमो किसका लोमो किसका मेटल का होमो इसका क्लियर। अब इसमें बोला जाता है कि
तो इसके लिए देखो रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट में इसमें दिखाते हैं हम लोग क्या क्या, तो मेटल शुड बी, मेटल शुड बी, मेटल के पास होना चाहिए क्या, होमो, ठीक है, मेटल के पास होना चाहिए होमो। और देखो मेटल के पास होमो कहां से आता है, तो उसके लिए लिखा जाता है मेटल हैविंग मस्ट बी अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख सकते हो मेटल हैविंग, मेटल के पास होना चाहिए क्या, मस्ट बी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास क्या होना चाहिए तब उस पर होमो होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है, तभी तो उस पर होमो होगा, अन्यथा किस स्थिति में होमो नहीं। चलो दूसरा रिक्वायरमेंट बोलता है क्या लिखोगे बोलो, लिगेंड शुड बी लूमो, ठीक है, लिगेंड शुड बी लूमो, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए लोमो और मेटल, तो होता है टैबुलिन पर देखे थे होता है, ठीक है, कौन सा लोमो कौन सा है उसका, दो था तो दो पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, ये उसका है क्या लोमो, समझ में आया, आगे चलें, एनर्जी गैप बिटवीन सेम होगा, क्या लिखो भी बोलो, एनर्जी गैप ऑफ होमो एंड लोमो लूमो इज विच इज कंपेरेबल, विच इज कंपेरेबल मतलब कंपेयर कर सकते मतलब कम हो सीधा सीधा, चलो और क्या बोलोगे, सिमेट्री विल बी, हाँ तो इसको भी लिखना पड़ेगा, सिमेट्री शुड बी मैच, सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए मैच होनी चाहिए, बोल इतना तक समझ में आया, अब इसमें कैसा होगा यह इसको देखो, तो देखो तो इसमें हम लोग बताएंगे ऐसा, मेटल है, मेटल का लिगेंड के साथ ऐसा तो कंपैरिजन हो चुका, ये इसमें आ गया लिगेंड से मेटल ले दिया, अब मेटल क्या होगा, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब उस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो वह क्या करेगा, तो वह लिगेंड में उपस्थित जो लूमो ऑर्बिटल होगा, लूमो कौन सा है, लूमो में इसका पाई एंटी बॉन्डिंग, उस पर इसको यह ढूंढे, उस पर इसको यह ढूंढे और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पॉलीमर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा पाई, क्लियर है, एक सिग्मा बन चुका, एक सिग्मा बनने के बाद वह दूसरा सिग्मा कभी भी नहीं बनाता, क्या बनाएगा पाई, तो इसको देखो तो क्या लिख सकते हो, एंटी बॉन्डिंग, नहीं नहीं क्या एंटी बॉन्डिंग, कभी पढ़े हो सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड पढ़े हो D-O-N-D, कभी पढ़े हो, तो क्या पढ़े हो, कभी मैं पूछ रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई एंटीबॉन्डिंग बॉन्ड, कभी पढ़े हो, पढ़े हो, नहीं नहीं ठीक है, उसके हिसाब से भी सही है, क्योंकि देखो पाई में ये तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए उस बॉन्ड को, उसके हिसाब से भी सही है, तो कभी पढ़े हो कहीं पे भी लिखा हुआ ऐसा देखे हो, हाँ
ऑर्बिटल बनता है, ऑर्बिटल होता है सिग्मा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन पाई बॉन्डिंग हो चाहे पाई एंटी बॉन्डिंग हो, उससे जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बॉन्ड ही बनता, ठीक है। दूसरा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, उससे बनने वाला जो बॉन्ड है वह क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ोगे तब वहां पे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट डालोगे, सिर्फ बॉन्ड पढ़ रहे हो तो बॉन्ड क्या होगा, तो सिग्मा होगा या पाई, उसके अपेक्षा और कुछ नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको जानना जरूरी है। ऐसे नहीं बताएगा तो दिमाग में घूमते रहता सर पाई बॉन्डिंग पाई बॉन्ड पाई स्टार बॉन्ड होना चाहिए था, ऐसा करते हैं। ये छोटी सी चीज है, हमेशा देखे हो कहीं पर तुम लोग, आज तक इतना बुक तो पढ़े होगे, परीक्षा बोर्ड तो पढ़े होगे, उसमें कहीं पे लिखा हुआ देखे हो क्या, पाई स्टार बॉन्ड सिग्मा स्टार बॉन्ड, ऐसा कभी देखे हो? नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे हो, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग, क्लियर है, समझ में आया। बॉन्ड सिर्फ दो ही टाइप के होंगे, सिग्मा एंड पाई, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होते हैं, कितने, पांच, हाँ उसको क्या है बोला, कितने होते हैं पांच। चलो आगे बढ़े, अब देखो इतना तो बन गया, ठीक है। अब क्या बोलोगे, फैमिली को तो बोल दिए सिग्मा डोनर लिगेंड है, सिग्मा डोनर लिगेंड है, अब वो क्या कर लिया, पाई को एक्सेप्ट कर लिया, देखो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो जैसे सिग्मा लिखे थे सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, तो सिग्मा लिख दिया सामने, अब लिखोगे पाई और एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एक्सेप्ट, क्लियर है। तो क्या होगा, जो कार्बोनिल लिगेंड जो होता है, लिगेंड इज क्या होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इसको एक वर्ड बोला जाता है कि कार्बोनिल लिगेंड को क्या बोला जाता है, तो सिग्मा डोनर डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इसके बारे में बोला ही कार्बोनिल कार्बोनिल लिगेंड जो है वह क्या होता है, सिग्मा डोनर तो होता है लेकिन उसके साथ साथ पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी होता है, क्लियर है। तो मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन है, CO लिगेंड इज, पहला पूछा है सिग्मा डोनर, दूसरा है पाई एक्सेप्टर और तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया है सिग्मा एक्सेप्टर और है चौथा दिया है पाई डोनर और इसका ऑप्शन में दिया है ए, सेलेक्ट करना है कि वन एंड टू, वन एंड टू, दूसरा बोलता है बी बोलता है टू एंड थ्री और सी बोलता है थ्री एंड एंड फोर और डी बोलता है फोर एंड वन, ठीक है। और बोल रहा है देखो डी, अब ऐसे पूछता है ना, पहले सीधा सीधा दे देता था कि वन होगा कि टू होगा कि इसी को ए भी दे देता था पहले के वो ए बी सी बता ऐसा करते, लेकिन अब ऐसा नहीं देता क्वेश्चन, अब इतना लिख दिया इसमें सेलेक्ट करके बताओ कि तुम क्या है। तो इसको देखो ये हो गया ऐसा ई, ई में होगा वन एंड थ्री, एफ वन एंड फोर तो हो गया है तो टू एंड और कौन बचा, फोर, टू एंड फोर,
बताओ। ए ए मतलब क्या होगा? वहां सिग्मा डोनर होगा और साथ ही साथ पाई। ठीक है, अब तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन ऐसे आता है। अब पहले इतने तक खत्म कर देता था ए बी सी डी और इसी में लिख देता किसी एक में, क्या लिखता इसको सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर नॉन ऑफ एबव, ऐसा लिख देता पहले वाले। लेकिन अब ऐसे आता है, हर पैटर्न में चेंज कर दिया ऐसे। बोलो समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट नहीं ए, फर्स्ट बोलोगे तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसमें चॉइस कर। चलो आगे बढ़े। देखो तो इसको मिटा देता हूं, इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है, देखो ये जो लिखे थे हम लोग एन और एल, ये जो लिखे थे ऐसा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहा था, इस पर देखें ये इलेक्ट्रॉन को लिगेंड मेटल था वो लिगेंड को डोनेट कर रहा था। ठीक है, तो इस पर देखो तो ये जो इधर पाई बॉन्ड बन रहा है, इस पाई बॉन्ड को डेक पाई बॉन्डिंग कहा जाता है। क्यों? तो देखो सिग्मा बॉन्ड इधर से इधर बना, उसके अपोजिट में पाई बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है? इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, बैक, बैक मतलब पीछे से पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, या फिर सिग्मा सिंपल से बोले थे पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि बैक पाई बॉन्डिंग का डायरेक्शन, का डायरेक्शन बैक पाई बॉन्डिंग का डायरेक्शन सिग्मा बॉन्डिंग के अपोजिट होता है। बैक पाई बॉन्डिंग का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग के अपोजिट होता है, तभी तो उसको बैक पाई बॉन्डिंग बोलेंगे, अन्यथा की स्थिति में बैक पाई बॉन्डिंग नहीं। क्लियर है? चलो इसी के अपोजिट एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। ये दिया हुआ है एन ऐसा और एल ऐसा, ऐसा ऐसा। बोलो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट बताए तो उसके बेसिस पर समझ में आ रहा है, क्या बताओगे? लिगेंड इधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, कौन सा मेटल के, क्या बोलोगे इसको? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इस लिगेंड को क्या बोलोगे आप, इस लिगेंड को क्या बोले इसके कारण से सिग्मा डोनर है। हो गया? दूसरा देखो तो मेटल का जो ऑर्बिटल है वो तो वैकेंट है, उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। अब देखो लिगेंड का जो दूसरा ऑर्बिटल है उस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा जिसको बॉन्ड क्या बनेगा, बॉन्ड तो पाई ही बनेगा लेकिन अपोजिट बन रहा है। देखो ऊपर ऊपर की अपेक्षा अपोजिट बना तो इसको इस मेटल को इसके कारण से क्या बोलोगे, तो यह लिगेंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। बोलो समझ में आया इसका नाम? ठीक है, भले ही ये कार्बोनिल नहीं होगा क्योंकि कार्बोनिल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो इधर से एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे यह कार्बोनिल नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे एल इज नॉट इक्वल टू सी ओ, ये दूसरे के लिए बता रहे कॉन्सेप्ट। अब क्या ये पाई बॉन्डिंग को बैक पाई बॉन्डिंग बोलेंगे? क्या ये पाई बॉन्डिंग को बैक पाई बॉन्डिंग बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पे इसका आंसर होगा इसको बैक पाई बॉन्डिंग नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग के अपोजिट में पाई बॉन्डिंग नहीं बने, यही है कॉन्सेप्ट। सेम डायरेक्शन में बनता है ऐसा बोल सकते, सिग्मा बॉन्डिंग के डायरेक्शन में ही पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको हम बैक पाई बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है बैक पाई बॉन्डिंग। अब बैक पाई बॉन्डिंग इसको नहीं बोलेंगे, ये ठीक है। और इसके एग्जांपल में हम किसका इसको लेते हैं, तो यहाँ पे जो एल लिखे हैं वो एल हो सकता है हमारा हैलोजन एंड एल्कोक्साइड, हैलोजन एंड एल्कोक्साइड। तो हैलोजन देखे वो, हैलोजन कौन सा होता है? क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें देखोगे तो इसमें कितने कितने लोन पेयर होते हैं, तो तीन लोन पेयर होते हैं, तो तीन लोन पेयर होते हैं, तो ये वाला सिग्मा बनाएगा तो ये वाला पाई बनाएगा, ऐसे ही सर। ठीक है, एल्कोक्साइड, तो एल्कोक्साइड क्या होता है? आर ओ माइनस होता है एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड में देखें तो ये क्या करेगा, तो ये माइनस के कारण से पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन इस पर लोन पेयर जो उपस्थित है यह पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिग्मा डोनर एल एज वेल एल से पाई डोनर लिगेंड कौन कौन से हैं, तो हैलोजन के सभी हैं और साथ ही साथ एल्कोक्साइड। ठीक है, मेथॉक्साइड बोलोगे तो क्या होगा फॉर्मूला मेथॉक्साइड का? CH3O और इस पर ये माइनस। ठीक है, ये होगा मेथॉक्साइड। एथॉक्साइड होगा ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? पाई डोनर एज वेल एज सिग्मा डोनर, या सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर लिगेंड। समझ में आ गया? आगे देखो तो अगर कोई ऐसा है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट तो किया, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के लिए इस लिगेंड के पास कोई भी लोमो नहीं है, ये देना चाह रहे इलेक्ट्रॉन लिगेंड को, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के लिए इस लिगेंड के पास कोई भी लोमो नहीं है, तो लोगों ने भी है, तो इस प्रकार का लिगेंड क्या कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना, तो इसको बोलेंगे ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। तो समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये होता है हमारा सिग्मा डोनर लिगेंड। गिव एंड टेक किन्होंने, इसको दिया था किसने? तो देवार चैट और है ड्यूकेनस, ड्यूकेनसन नामक साइंटिस्ट गिवन टेट। इसमें इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने कार्बोनिल के बारे में एक्सप्लेन किया। सी ये जो बॉन्ड होता है ऐसा, ये कार्बोनिल बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
ठीक है, माइनस ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है। अब मान लो ये क्या है, क्या है वो BH3, BH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? SP2 होता है। अरे BCl3 में क्या होता है? वही तो है, क्लोरीन भी रहेगा, हाइड्रोजन जुड़ गया BHHH, हो गया। इस पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बी पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कैसे पता चला? वो तो सर, अब कौन सा ऑर्बिटल होता है, वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल होता है? पी पी होगा ना, बोरान का एक एस और दो पी आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो एक तो वैकेंट पी ऑर्बिटल तो बच रहा है ना, वही पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल हो गया। कार्बोनिल के साथ, कार्बोनिल के साथ देखो, ठीक है, कार्बोनिल के साथ बोन बनाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये कौन सा बोन बनेगा, सिग्मा बोन बन गया, सिग्मा बोन बना। तो यहां पे हम इसको मेटल की रेखा मिली है, इसको है ना, इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड की रेखा, ये इसको हम लोग बोलेंगे मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड है वो ओनली सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड ओनली, ठीक है। इसके बाद देखो तो इस पर भी उपस्थित क्या होंगे, ऐसा उपस्थित होगा इस पर भी वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन बोरान के पास और इलेक्ट्रॉन है क्या देने के लिए? नहीं है, क्योंकि उसका में खुद खाली रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो यह इलेक्ट्रॉन इधर नहीं दे सकता, मतलब इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो तो दूसरा चीज ये मैं बता, ये बता रहा हूं देखो, ये लिगेंड है मेटल, मेटल में ये वैकेंट ऑर्बिटल और ये है इसका होमो ऑर्बिटल, ऐसे ही ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल का ये वाला हो गया उसका लिगेंड वाला ऑर्बिटल, और ये हो गया ऑक्सीजन और ये उसका लोमो ऑर्बिटल, ठीक है। मेटल देखो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अब यह इधर से बॉन्डिंग करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, क्या यह पाई बॉन्डिंग बना सकता है, क्या यह पाई बॉन्डिंग बना सकता है? हाँ, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नॉन बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, यहां पे लिखेंगे बैक पाई बॉन्ड। ये दो अलग अलग एग्जांपल, ये पहला और दूसरा, ठीक है। अब इसमें ये मैं पूछ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो, एन एल बॉन्ड स्ट्रेंथ या एन सी बॉन्ड स्ट्रेंथ, एन सी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाईएस्ट किसका, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, किसके बॉन्ड, किसके कौन सी बॉन्ड, एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो,
मेटल कार्बन बॉन्ड किसका ज्यादा होगा, मतलब किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? मैं बोल रहा हूँ वन का कि टू का, सिग्मा की पाई नहीं बोल रहा हूँ, सिग्मा का तो ज्यादा रहता है पाई की अपेक्षा, लेकिन मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, दो एग्जांपल दिया हूँ, एक ऊपर है दूसरे नीचे, तो किसका एम सी बॉन्ड क्या होगा स्ट्रेंथ हाई होगा, किसका? टू का, क्यों? समझ में आ रहे हैं? ऊपर का कम होगा, क्यों? ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसका होगा? एग्जांपल टू का। ठीक है, दूसरा देखो तो सी ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो इसका, बोलो क्वेश्चन कैसे हो? फर्स्ट का, क्यों? मुझे तो पहचानना है, पहले दिमाग तो लगाओ तुम लोग, उसका आंसर बताओ तो मैं, लेकिन दिमाग होना चाहिए लगाने के लिए, तो तुम लोग तो क्या भोसा भरा हुआ है दिमाग में, बोलो 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 जल्दी, बोलो किसका बॉन्ड ज्यादा, किसका बॉन्ड ज्यादा होगा, क्यों? उसकी सेम लगता पाई बॉन्ड बन रहा है, देखो 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 क्या बोल रहे हैं उसको, देखो पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बनने के कारण इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा हो रहा है इस कार्बन पे, क्लियर है? एक्स्ट्रा हो रहा है तो यह क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है उसको इधर शिफ्ट करेगा, तो जो ट्रिपल बॉन्ड था वह अब किस कैटेगरी में आ जाएगा, डबल बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, क्लियर है? तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऐसा AMN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, लेकिन इस पर समझ में ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, तो ये इसके बीच तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, और लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, ये कार्बन के चार बॉन्ड होने चाहिए, चार बॉन्ड है यहाँ पे, तो पांच बॉन्ड हो जा रहा था, तो इसलिए वह एक बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, क्लियर है? आप बताओ अभी कहें, देखो दोनों जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा है, समझ में? तो इसमें तीन बॉन्ड है तो इसका स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, मतलब सीधा सीधा बन सकते हैं, जिसमें बैक बॉन्डिंग होगा, जिसमें बैक बॉन्डिंग होगा एमसी बॉन्ड उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रखेगा, जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा वहां पे सीओ बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्लियर है? तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ के बेसिस पर। अब मैं इसमें पूछ रहा हूं सबसे लंबा बॉन्ड, सबसे लंबा एमसी बॉन्ड किस में पाया जाए, हायर लेंथ ऑफ एमसी बोल, देखो ना जहां देख रहे हो वहां देखो, फर्स्ट में ये होगा, क्या बोल रहा है, मेटल और कार्बन, तो मेटल भी ये हो गया, कार्बन ये हो गया, जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ कम, मतलब थोड़े दूरी में रहेंगे, समझ में आया? स्ट्रेंथ का अपोजिट होता है लेंथ, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा
और हायर लेंथ ऑफ एन सॉरी सी ओ हो बोलो हायर लेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड किसका हो फर्स्ट पे अब अंधे हो फैले हो समझ में नहीं आता बहुत 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 मेरे कुमार सुनो उसको देखो किसका सेकंड का क्यों क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी है स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मतलब लेंथ कम होगा यहाँ पे देखे ये डबल बॉन्ड कैटेगरी में आ जा रहा है इसलिए इसका लेंथ ज्यादा होगा स्ट्रेंथ कम होगा आंसर क्या होगा यहाँ क्लियर है ये हो गया हमारा क्या तो ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ ठीक है अब किसी के बेसिस पर ये बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं तो देखो जिसका एमसी बॉन्ड ज्यादा होगा वह या वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है किसके तो किसके सीओ बॉन्ड मतलब अगर एमसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा तो सीओ बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम क्लियर है अपोजिट है तो इसके अपोजिट होगा दूसरा इसका लेंथ ज्यादा तो इसका लेंथ कम आ गया देखो क्लियर है तो ये अगर याद रहा तो ये आराम से बन सकता है कोई भी एग्जांपल देगा तब इसमें दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एम सी बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस पाई बॉन्डिंग एम सी बॉन्ड कब ज्यादा होगा जब बेस पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगा समझ में आ गया ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा रट्टा मारना पड़ेगा आगे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इन बैक पाई बॉन्डिंग में फैक्टर इफेक्टिंग मतलब बैक पाई बॉन्डिंग कहां पे कम होगा और कहां पे ज्यादा होगा इस चीज को बता अगर ये हमको पता रहेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एमसी बॉन्ड ज्यादा होगा तो सीओ बॉन्ड ज्यादा होगा ठीक है क्यों क्योंकि अगर बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा है मतलब एमसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो सीओ बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा देखो रिलेशन बन रहा है यहां से यहां तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इसका इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द मैटर इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द मैटर मेटल के चार्ज पर यह डिपेंड करता है ठीक है तो मेटल के चार्ज पर डिपेंड करता है तो पहला देखो तो ये दिया हुआ है एम एन सी ओ सिक्स और इस पर है प्लस चार्ज दूसरा दिया हुआ है CO CO6 इस पर कोई चार्ज नहीं है और तीसरा दिया हुआ है V CO6 और इस पर है माइनस ठीक है देखो तो ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उस कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है क्लियर है तो सभी की सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सी आर
आइसो इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन रूल लागू करो इस पर। और देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, साथ ही साथ एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चर। आइसो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में भी समान, सब में देखो छह 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 है कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, मतलब स्ट्रक्चर भी समान है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी। तो 18 इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, कैसे निकालो 18 इलेक्ट्रॉन को लागू करो इसका। हां 18 आना चाहिए, आया है कि नहीं आया उसी को पूछ रहा हूँ। एटीन इलेक्ट्रॉन रूल को ये तीनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पूछ रहा है। और एक प्लस है, देखो ऊपर एक प्लस है मतलब एक घट जाएगा, तो कितना बचा, छह में एक घटा तो पांच, तो ये हो जाएगा पांच मैग्नीज का और बोलो बारह किसका, तो कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी छह सात होता है, सात में एक घटेगा तो छह तो अठारह है, मैग्नीज का साथ ही होता है, 25 में दो बढ़ाने बोला था है ना, तो दो बढ़ा कर भेजते हैं क्योंकि डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का तो पांच है लेकिन एस ब्लॉक में भी तो दो है उसको सात, तो एक प्लस है तो एक घटा लिए तो कितना बचा, छह, छह और बारह अठारह। इसका देखो क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का 24 होता है, चौबीस में दो बढ़ा दो कितना, मतलब 24 का चार लो, चार में दो बढ़ा दिए छह, तो छह धन बारह कितना हो गया, छह धन बारह बराबर हो गया अठारह। इसका रह गया इसके नियम रहने दिया, तीसरे में आता है 23 होता है, 23 में दो बढ़ा दे, 3 में दो बढ़ा है तो कितना हो गया पांच, पांच धन इसका 12 और एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। सब लागू कर रहे हैं, सब लागू कर रहे हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल है साथ ही साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बोलो कितना तक समझ में है कि हम सबको। अब देखो यहां किस पेपर, ठीक है तो मैग्नीज का ऐसा लिख सकते हैं, क्रोमियम का हो गया ऐसा, अगला वाला देखो तो वेनेडियम, तो वेनेडियम का है बी इस पर ये और ये, इससे देखो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और ये, इस पर है माइनस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाने के कारण से इसका छह हो रहा है, क्लियर है ये चीज। अब देखो बैक बॉन्डिंग तीनों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बैक बॉन्डिंग तीनों कर सकते हैं कि नहीं, कैसे करेंगे, कार्बन के पास तो नहीं है लोमो, कार्बन के पास लोमो है क्या, नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे, वेरी गुड गधे हो, अभी भी पढ़े हो, कार्बोनिल पर लिखो चाहे ना लिखो उसके पास क्या होता है लोगो और विकल्प होता है, तो बैक बॉन्डिंग सबके सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ अब कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा कौन कैसा करेगा इस चीज को हमको देखना, ठीक है बताओ तुम्हारे कॉन्सेप्ट से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसमें से, तुम्हारे दिमाग से बताओ, नीचे वाला कर सकता है क्यों, बोलो
माइनस चार्ज है मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो वो क्या करना चाहेगा, हल्का होना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साइड मतलब चार्ज को दूसरे के साइड शिफ्ट करा देगा। तो क्या बोलोगे, बोलो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वह क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलोगे, मोर पाई बॉन्डिंग, मोर बेग पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इस पर होगा मोर बेग पाई बॉन्डिंग, इस पर बोलो इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर तो प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए, ऐसा सोचेगा कहीं से इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए। और तो देखो ये पहले बैक पाई बॉन्डिंग करेगा कि ये पहले बैक पाई बॉन्डिंग करेगा, नीचे वाला करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, आराम से दे सकता है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है तो वो क्या करेगा, पहले वो खोजेगा कहीं पे होगा तो आज, नहीं मिला तो वो फिर करेगा अरेंज देता हूं। समझ में आया, मतलब किसकी अपेक्षा लेस बेक पाई बॉन्डिंग होगा, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें लेस बेक पाई बॉन्डिंग, इस वाले का मतलब या वेरी लेस लिख दो, वेरी लेस, वेरी लेस बैक पाई बॉन्डिंग, समझना है। तो बैक पाई बॉन्डिंग किसमें ज्यादा, तो किसमें ज्यादा, तीसरे पर ज्यादा, उससे कम किसमें, दूसरे पर और उसके बाद यहां पे लिख सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगा, बोलो BCO6 माइनस पर हाईएस्ट, उससे कम किसमें, CrCO6 पर उससे कम, और सबसे कम किसका, तो NnCO6 प्लस। चलो अब इन तीनों में से किसका CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, इन तीनों में से किसका CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, बताओ, फर्स्ट वाले का, क्यों सबका सेम होगा, तीसरे वाले का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। चलो इसका तीसरा और कोई, हाँ तुम्हारा पहला और दूसरा का, पहला और दूसरा वाले कोई हो, नहीं हो, चलो ठीक, तीसरे का क्यों होगा बोलो, कहीं पे मैं रिलेशन बताया हूँ क्या, माइनस रहेगा मतलब वहां पे सीओ बॉन्ड कम होगा, बोला हूँ कहीं पे, बोला हूँ नहीं, तो भी कॉन्सेप्ट बताओ, जो भी बताना है कॉन्सेप्ट में बताओ, हाँ तुम वाला क्यों बोले बताओ, वेट कॉन्सेप्ट बताओ, सब चीज लिखा हुआ है इसमें, हाँ बोलो, वन क्यों, वन क्यों स्ट्रेंथ बोला, किसका CO का स्ट्रेंथ किसमें कम होगा, हो कम होगा बोले कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा किसमें, ज्यादा हाँ, तो बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा है तो हाँ, बेंसर कौन है,
आंसर कौन है? तीसरा ना आ रहा है। हाँ तो देखो ऐसी हवा हवा में बात करने से नहीं होता, सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये कि दिमाग बस जो है लगाना है, और जो कि तुम लोग के पास थोड़ा कम है। सबसे CO ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें? सबसे CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें होगा? इन तीनों। क्यों? स्मॉल है या कम है वो भी कम होगा, और अगर ये कम है उसके अपोजिट CO बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ में ज्यादा। समझ में? चलो पहला हाईएस्ट CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, आंसर लिखते जाओ उसका। दूसरा हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ, लोवेस्ट CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, लोवेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, हाईएस्ट MC बॉन्ड लेंथ। हाईएस्ट MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, सातवां है लोवेस्ट MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, और है इसका और लोवेस्ट MC बॉन्ड लेंथ। बोलो पहला कैंसर, बोलो हाईएस्ट CO बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? नाम बोलो MnCO6 लगा है। दूसरे का बोलो अब स्ट्रेंथ भी ज्यादा और लेंथ भी ज्यादा। क्या लिखा है एक बार पढ़ लो अच्छे से, हर्बी में तुम लोग गड़बड़ करते हो। क्या होगा? बोलो देखेंगे, काम ही नहीं है वो, न्यूट्रलाइज बैठा रहेगा। चलो इसमें बोलो लिखते हैं उसको, ये भी है करके लिख देते हैं। MC बॉन्ड का स्ट्रेंथ
लोवेस्ट किसमें होगा? फर्स्ट। और ये बोलो, समझ में आया? बोलो यहां पे कंफ्यूजन है, बोलो। मैं तो फिर भी कहता हूं आगे किसको देखोगे तो आंसर है। किसको? क्यों एक्सप्लेन क्यों करूं? उसको समझो, रिलेट करो। क्या बोल रहा है? एमसी बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा, तो किसका पूछ रहा है? इसके बीच का बॉन्ड का लेंथ किसमें ज्यादा होगा? तो जिसमें बेक पाई बॉन्डिंग कम होगा, बेक पाई बॉन्डिंग कम, एमसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा तो लेंथ लो। हाईएस्ट एमसी बॉन्ड लेंथ किसका? तो किसका? फर्स्ट का। तो तुम्हें लोग लिखा है, मैं थोड़ी ही लिखा हूं अपने मर्जी से। बोलो 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 बोलो। हाँ, एमसी बॉन्ड का लेंथ पूछ रहा है, लेंथ किस में ज्यादा, और इसको तुम ही लिख पाए हो। बोलो नहीं होगा ना? हाँ होगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं देखो एक बार अच्छे से पढ़ो। हाईएस्ट एमसी बॉन्ड लेंथ, एमसी बॉन्ड का लेंथ मतलब ये लेंथ बोल रहा है, स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा है ना, लेंथ ज्यादा किसमें होगा? फर्स्ट में होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसका कम है। कम क्यों होगा? क्योंकि पाई बॉन्डिंग कम हो रहा है, कम कम, ये कम तो लेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ कम मतलब लेंथ ज्यादा। चलो बोलो, हो गया क्लियर? आया दिमाग में भूसा, ये भूसा भरा हुआ है, भूसा को निकालो और इसको डालो। कैसे बिंदेश्वरी बता देते हैं। तो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि मेटल है जिस पर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है जिसकी संख्या एक्स है, अगर उस पर माइनस चार्ज है, एल माइनस चार्ज है, एल माइनस मतलब प्लस वन हो, प्लस टू हो, सॉरी माइनस वन हो, टू हो, थ्री हो, जितना हो, वो सबसे ज्यादा बैकबॉन्डिंग रखे। उसके बाद देखें तो उससे कम किसमें होगा? तो न्यूट्रल वाले में सबसे कम होगा, ठीक है, जिस पर माइनस चार्ज नहीं है उसको हम लिख देते हैं जीरो, ठीक है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद देखें तो एन और क्या बोलोगे, सी को एक्स है और इस पर एन प्लस अगर है तो उसका सबसे कम होगा क्या? बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग किधर बढ़ रहा है? इस साइड। क्या हो रहा है? बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। और बोलो स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ सी ओ बॉन्ड बोलो किधर बढ़ेगा? उधर बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा? एरो का चिन्ह नहीं डाला हूं मैं अभी, जिधर डालूंगे तो उधर बढ़ेगा। क्या पूछा गया है?
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किधर इंक्रीज होगा, उसका स्ट्रेंथ। तो सीधा सीधा जिसका एमसी बॉन्ड वीक होगा उसका सीओ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और एमसी बॉन्ड वीक किसका होगा, जिसमें वीक पाई बॉन्डिंग होगा। समझ में? तो किधर इधर बढ़ेगा, ठीक है, समझ में क्या? अब देखो तो तीसरा इसमें मैं लिख रहा हूं ये, स्ट्रेंथ ऑफ एमसी इंक्रीज किधर, क्यों? क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग अगर बढ़ेगा मतलब एमसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। क्लियर है? चलो अब इसके बाद देखें तो अगला लेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। इधर चला मैं उधर चला, अरे इधर चलोगे बताओ क्यों? हाँ, स्ट्रेंथ अगर उसका उधर ज्यादा होता है तो उसका लेंथ इधर जाता, इधर उधर इधर। चलो आगे देखो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ MC bond increases इधर इधर ऐसे कर आधा इधर बोलो आधा इधर इधर। चलो अच्छे से बनाओ, ठीक है, इस बेसिस पर इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। और इसमें ये भी बोल सकते हो, देखो तो इसको सेकंड स्विच देखने की बैक पाई बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एन एम एन माइनस एम एन माइनस जितना भी ज्यादा होगा, माइनस चार्ज जितना भी ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग उसमें ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और बाकी का रिलेशन तो लिख चुके हो पहले ही, ठीक है, ये हो गया। इंद्र की जय, ठीक है, रोल ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड या एंसिलरी लिगेंड इन बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। इसमें क्या होगा, तो जो कार्बोनेट के अलावा जो भी लिगेंड होंगे वह कहलाते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड या फिर एंसिलरी लिगेंड, और यह इसका जो प्रभाव है वह कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बेसिस पर इसको देखना है। तो इसमें फर्स्ट है काइंड्स ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड या फिर एंसिलरी लिगेंड, ठीक है। तो इसका प्रकार देखें, यह मुख्यतः चार प्रकार का होता है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो पहला टाइप का जो एंसिलरी लिगेंड होगा वो सिर्फ हो सकता है ओनली सिग्मा डोनर, ठीक है, ओनली सिग्मा डोनर, ठीक है। दूसरे टाइप का होगा, इसको कुछ ऐसा लिखते हैं तब समझना है, पहला होता है ओनली ए टाइप का होगा वो होगा ओनली सिग्मा डोनर, दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा बोलो, जो कि सिग्मा भी डोनेट करे और पाई भी डोनेट करे, ठीक है। तो सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, तीसरा कौन होगा, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर,
होगा। इसके अलावा चौथा कौन होगा, चौथा कौन होगा, या इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड एंड वीक पाई एसेट। स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर मतलब ज्यादा मात्रा में सिग्मा डोनेट करेगा और कम मात्रा में पाई एसेट, और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक सिग्मा डोनर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पाई एसेट। ठीक है, ये डी प्रकार। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, किसको देखो, इसमें एल है, एम है, लिगेंड क्या करेगा, और इधर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा, क्योंकि देखो हम अब कार्बोनिल ग्रुप का ही देखेंगे, उसका प्रभाव देखते हैं किसका, एंसिलर लिगेंड, तो एंसिलर लिगेंड एल होगा, एल कैसा होना चाहिए, सिग्मा डोनेट करना चाहिए, तो देखो दिया अगर सिग्मा डोनेट करेगा, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा, सिग्मा डोनेट किया तो क्या इफेक्ट करेगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ब्रेक पाई बॉन्डिंग बनाने में हेल्प कराएगा, क्योंकि इसके साथ तो ब्रेक पाई बॉन्डिंग नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्मा डोनेट करने वाला है, सिग्मा एक्सेप्टर तो नहीं है, या पाई एक्सेप्टर नहीं है, क्लियर है, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया, इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और बढ़ गई तो यह क्या करेगा, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगा, और बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, बोलो, हाँ, तो यहां पे क्या बोलोगे, बैक पाई बॉन्डिंग मोर हो जाएगा, और हाँ एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मोर होगा, और बोलो सीओ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ कम की ज्यादा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होगा तो लेंथ क्या होगा, मोर, बोलो समझ में आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं, अब यार देखो तो सिग्मा डोनर है साथ ही साथ पाई डोनर भी, ठीक है, तो सिग्मा से तो डोनेट करेगा ही, साथ ही साथ पाई से भी डोनेट करेगा, तो देखो कैसे कैसे दिखाएंगे इसको, ये लिगेंड है, इधर से ये अपना सिग्मा तो देगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे पाई भी देगा, तो ये मेटल तो क्या करेगा, तो मेटल का जो होगा ऐसा होगा, और यह क्या करेगा, तो यहाँ पे इस तरह इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी के साथ जुड़ा रहेगा ऐसा, ठीक है, अब देखो ये तो इसके साथ डोनेट किया, सिग्मा बॉन्ड तो बना दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, पाई भी डोनेट किया, मतलब इसमें तो सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था मेटल पे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा से भी बढ़ रहा है और पाई से भी बढ़ रहा है, क्लियर है, मतलब यहाँ पे डबल इफेक्ट के साथ यह क्या करेगा, इसके साथ बैक पाई बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, तो क्या बोलोगे इसके लिए, बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग मोर ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा भी हो जाए, चलो आगे आगे देखते हैं, एमसी बॉन्ड क्या हो जाएगा, मोर स्ट्रेंथ का हो जाएगा, और बोलो सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, हाँ या लेस, जानबूझ के मैं वहां पे लिख रहा हूँ, हाँ पहले कॉन्सेप्ट किसका था, कार्बोनिल का, कार्बोनिल यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनाया,
और उसके अपोजिट पाई बॉन्ड बन रहा है क्लीवर, हाँ बन रहा है, क्लियर है। इसलिए उसको क्या बोले, वेग पाई बॉन्डिंग बोले। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कार्बोनिक को तो देख ही नहीं रहे हैं हम लोग, उसके अलावा जो लिगेंड है उसका इफेक्ट है कार्बोनिक पर क्या पड़ने वाला है इसको देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर होता है। सिग्मा डोनर मतलब सिग्मा दे सकता है, पाई एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना पाई डोनेट कर सकता, क्लियर है। इसलिए यह क्या करेगा, इधर वापिस नहीं लेगा, वेग बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो देखो ये क्या किया, ये कंडेंसिटी बढ़ाया, ये इधर चला गया। तो जो इसके कारण पाई बॉन्ड तो जो बन रहा था वो तो बनेगा ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा है उसको, ले पावर दे, समझ में। तो ये डबल मतलब ये इसके पहले पावर के कारण था और साथ ही साथ अपोजिट, हाँ ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया, तो इसे क्या हो गया, डबल पावर के साथ हो रहा है, ठीक। ये नॉर्मल केस देखे थे हम लोग, तो ये देखो NC और ये ट्रिपल बॉन्ड टू का रहती है, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा था सिंगल पावर के साथ, मतलब इसमें इधर से और कोई पुश कराने वाला नहीं था, तो सिंगल पावर के साथ। यहाँ क्या हो गया, इधर से ये दे रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो लिगेंड है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या होगा, उधर और डबल पावर के साथ उसको फोर्स करेगा, क्लियर। यहाँ ट्रिपल पावर के साथ कर रहे हैं, किसका किसका, एक पावर किसका, दूसरा पावर किसका, दो पावर तो हो ही गया, साथ ही साथ पाई से भी ये दे रहा है। तो ट्रिपल पावर के साथ क्या कर रहा है, वेग पाई बॉन्डिंग बना रहा है, क्लियर है। तो वेग पाई बॉन्डिंग दोनों ने किसका कर, नीचे वाले का, जो कि सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर लिगेंड अगर उपस्थित है तो उसका वेग पाई बॉन्डिंग ओनली सिग्मा डोनर से ज्यादा होगा, क्लियर है ये चीज। चलो आगे बढ़े, आगे दिया हुआ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एज वेल एज वीक पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो देखो तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एज वेल एज वीक पाई एक्सेप्टर कैसे दिखाएंगे इसको। तो ये हो गया हमारा लिगेंड, ये सिग्मा डोनेट करने वाला और ये पाई एक्सेप्ट करने वाला, मतलब वैकेंट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मेटल का देखो तो मेटल में क्या होता है, ये तो खाली ही रहता है, और इस पर क्या होगा ऐसा, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखो कार्बोनिल के साथ में जुड़ा हुआ सी ट्रिपल बॉन्ड टू, ठीक है। चलो देखो क्या कर रहा है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर अच्छे से देगा, ठीक है। अब ये तो दे ही रहा है, डबल पावर आ गया, अब डबल पावर तो आ गया, लेकिन यह क्या करेगा, इधर भी यह पाई बॉन्ड बैक पाई बॉन्डिंग कर सकता है और इधर भी बैक पाई बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इस पर भी खाली जगह है, ठीक है। तो देखो क्या करेगा, जितने ज्यादा फोर्स ये दे रहा है इधर से दे रहा है, ये क्या करना पसंद करेगा, इसके साथ बैक पाई बॉन्डिंग करेगा, किसके साथ, जो एंसिलरी लिगेंड है उसके साथ बैक पाई बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, ना कि कार्बोनिल के साथ। मतलब बोलो बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, मेटल कार्बोनिल के बीच का बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, बहुत ही वीक हो गया, ठीक है, बहुत ही वीक हो गया, समझ में आया। मतलब यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग क्या बोलोगे इसके लिए, कम, किसकी अपेक्षा कम, दोनों की अपेक्षा कम, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, लेस, और बोलो एनसी बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड का क्या स्ट्रेंथ, क्या होगा स्ट्रेंथ, लेस होगा, और सी होगा स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ, क्या होगा मोर, समझ में आया। अगला देखो तो इसके केस में वीक सिग्मा डोनर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। करने का मतलब देखो ये हो गया लिगेंड, लिगेंड अपना सिग्मा डोनेट करेगा और क्या है मेटल है वह इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे होगा ऐसा, और ये क्या होगा यहाँ से सी
और ये हो गया किसका ट्रिपल बॉन्ड ओ वाला, और यहाँ भी ये ठीक है वही काम करेगा। क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा जिसके कारण से एक पावर आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया उसके कारण से एक पावर आ गया, ठीक है दो पावर हो गया। अब देखो यह क्या करेगा कि किसी के साथ क्या करेगा पाई बॉन्डिंग करेगा। तो अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग कर रहा है, दोनों का अंतर क्या है, ऊपर वाला वीक होगा कि नीचे वाला वीक होगा, ऊपर वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि वीक पाई एक्सेप्टर है, क्योंकि ये कम मात्रा में एक्सेप्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए वीक पाई बॉन्ड होगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, मतलब स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमको इनका नहीं देखना है, हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये वीक है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक पाई बॉन्डिंग लेस हो रहा है, लेकिन इसकी अपेक्षा तो ज्यादा होगा वहां पे ब्रेक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अगला देखो तो इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे हम ब्रेक पाई बॉन्डिंग क्या होगा लेस एमसी बॉन्ड, बोलो स्ट्रेंथ लेस, और क्या है सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा मोर, क्लियर है। अब इन चारों से फाइनल रिजल्ट बताना है, इन चारों से फाइनल रिजल्ट बताना है, ठीक है। एक बार ठीक है तो ये है होमवर्क, और इसका ऑर्डर देखें इसके बेसिस पर ये होता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है।